मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और उस बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूले। नमस्कार एवरीवन गाइस, दिस इज योर बॉय कार्तिक। आशा करता हूँ कि आपने एपिसोड 1 देख लिया है। तो अभी हम बर्मिंघम से निकल रहे हैं विंडरमेयर, जो लेक डिस्ट्रिक्ट में है। तो भैया अभी हमने थोड़ा सा प्लान में बदलाव लाए हैं, अभी हम लोग लेक डिस्ट्रिक्ट निकल रहे हैं। लेकिन भैया रेडी हो? So pretty much heading towards Lake District right now, and we'll be doing the boating as well, the self-drive boat. Hopefully. Hopefully, yeah. And let's not get to the conclusions, but it's going to be amazing one because it's in the Windermere Lake. It's going to be awesome. So let's see how it turns out to be, or bane rahiye isi ke saath. Maza aayega. भाई साहब, हम सब इस जीवन में तो पहली बार बोट चला रहे हैं, तो हम लोग तो बहुत एक्साइटेड हैं। तो इसमें क्या है कि आपको मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन देने वाला हूँ, जो यहाँ पे हमने जहाँ से रेंटल लिया था, और बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस है, डेफिनेटली ट्राई करिएगा। तो ये पड़ा मैं 15 पाउंड पर पर्सन एक घंटे के लिए, सो चार लोगों के लिए 60 पाउंड। तो भैया फाइनली हम लोगों ने बोट ले ही ली है, सेल्फ ड्राइव वाली। अभी हम लोग सेल्फ ड्राइव बोट के लिए आगे निकल रहे हैं। क्या देखोगे यार तुम लोग? सो एट लास्ट फाइनली जो हमारा लेक डिस्ट्रिक्ट में आने का मकसद था वो पूरा हुआ। हम लोग बोट राइड के लिए जाएंगे, सेल्फ ड्राइव। यप, सो फाइनली वी हैव टेकन आवर ओन सेल्फ ड्रिवन बोट। और गिरीश यहाँ पे अभी चला रहा है, प्रीटी मच ऑल राइट। एंड या इट्स एक्साइटिंग, सो वी विल बी गोइंग ऑल द वे टिल द मिडल ऑफ द लेक। फ्रॉम देयर प्रॉब्ली वी कैन चेंज द शिप्स ऑफ हु विल बी ड्राइविंग द सेल्फ बोट एंड स्टफ, बट for now it just seems amazing, the weather is perfect. Mabin, you want to say something to the vlog? So maza bahut aa raha hai bhai abhi, but yaar bakchodi ye hui hai ki unhone swimming karne se mana kar diya main. That's the only shittiest thing that happened, but still it's a slow boat, slow going boat, but it's still amazing. So let's see how it turns out to be. Come forward, asshole. Amazing experience guys, driving the self driven boat in the beautiful lake of Windermere. Bike distance pura kuch bol bhai. Yeah, I don't know. Surprised with the experience. It's soothing, yeah, isn't it? It's too cold. Yeah. तो गाइस आपको जब बोट मिल जाएगा आपको, तो इसमें एक स्पीड लिमिट होती है जिसमें आपका 10 नॉटिकल माइल्स पर आवर मैक्सिमम जाता है ये बोट, और बहुत ही सेफ स्पीड है, बहुत ज़्यादा तो फास्ट नहीं जाता आपका। और आपको क्या करना है कि इस पर्टिकुलर जो वहाँ पे बस एक एक्सेलेटर दिया होता है, बस उसको आगे पीछे करना है, बहुत सही चलाने को आपको पूरा मिल जाएगा बोट, और एक घंटा आराम से चिल करना आप। Hello. Hey. Side. Hey.
Simply amazing in Windermere Lake District. अब क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ एक घंटे के लिए बोट लिया था तो हम सिर्फ एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक हुआ है, क्योंकि जो ये लेक है बहुत बड़ा है, आपके सारे हिल्स हैं आसपास, तो एक्स्ट्रा चार्ज लग जाता है अगर आप लेट हैंडओवर करते हो, तो इसलिए हम 1 आवर के गैप में ही थे सब। और उसके अलावा क्या है कि आपका सिंस ये नेशनल पार्क बहुत बड़ा है, यहाँ पे साइकिलिंग होती है, सब कुछ होता है, तो अगर आपको कहीं बीच में कहीं लैंड करवाना हो या फिर आप करना हो तो कैंपिंग साइट्स भी हैं, तो उसके लिए आपको अलग चार्ज पे करना पड़ेगा, आप वो उनसे चेक करवा सकते हो। सो प्रीटी मच एन अमेजिंग साइट एंड जस्ट एंजॉयिंग इट टू द फुल। गिरीश, यू वांट टू से समथिंग टू द लॉर्ड? वी जस्ट हैड अ really nice experience here and we just want to swim but it's not allowed in here, so ek cheez hai jo main yahan pe bahut miss karunga, swimming here in this beautiful lake all the way till you can see and just having a good time. So acha la raha hai, but I don't know it's not understand what he's saying, so anyway let's chill, boat goes to one side, you stay safe. अरे कहाँ है लड़ रहे हो? सो थोड़ा अभी हम पानी के अंदर भी जाएंगे, है कि नहीं? तो जो आप ये छोटी वाली बोट लोगे उसमें 6% की ऑक्यूपेंसी है, तो अभी हम लोग तो 4 ही हैं, तो बट नॉर्मली अगर आप किसी फैमिली के साथ आ रहे हो या आपके बहुत ज़्यादा जने हैं तो बड़े बोट्स भी होते हैं जो मतलब फेरी टाइप समझ लीजिएगा, मतलब दूर दूर तक ले जाते हैं, जैसे आप पीछे देख रहे हो बहुत सही फेरीज होती हैं, बट मैं सजेस्ट करूँगा अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो तो प्लीज़ मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट और ऐसे एक बोट लेना, मस्त चिल करिए आप 1 घंटे 2 घंटे, तो ये बहुत सही फन है। You need to ask them before taking. इतना कोई नहीं देखता यहाँ पे, चिल्लाती है मम्मी ये कर बच्चों ना, तो वो हमें मिलेगा अगला ना हम उसे मिलेंगे। लोग करते हैं ऐसा चीज़, आप ये अमेरिका में करते हैं, देखा है ना, विदाउट आवर परमिशन यू, हाँ वो प्राइवेसी ज़्यादा देखते हैं। मुझे पावर वाला चाहिए, आई कांट सी। अरे सब इंडियंस ही दिख रहा है भाई, इंडियंस नहीं यार, दिस इज अरब। क्या प्रॉब्लम? अरे इसमें ये किसका है यार? अरे कोई बच्चे लोग का कुछ भूल गया है। ओ अरे शिट यार, बच्चे लोग का दिए, सबको दिए, मेरा का है। अच्छा तो इसका बोल लूं कर दे। अरे यहाँ पे ना कार्तिक है, बंडा पे कितने मिनट्स होंगे? 20 मिनट्स होंगे, मांगे करने जा करते हैं इनका। 20 मिनट्स होगा, 15 एक्चुअली 18 मिनट्स होंगे। तो अभी हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया है यहाँ पे, द व्यूज आर जस्ट सररियल, तो अभी हम लोग वी आर ऑन द वे टू द M6 मोटरवे, तो इन बिटवीन यू जस्ट गोइंग थ्रू द कंट्री साइड, फोटो सेशन तो चलते ही रहते हैं, बट यार दिस प्लेस इज जस्ट अमेजिंग और यहाँ पे some nice place to hang out as well. So the entire road is actually up to yours, very less traffic here, but I obviously need to be careful about the traffic which is incoming. Very less traffic, but they're coming in high speed, so ek wo cheez consider kar sakte ho factor, and this is the typical English countryside as you can see. ज़्यादा पेड़ नहीं होते बट हरा भरा एकदम सही। सो टेकिंग ए ब्रेक हियर राइट नाउ बिफोर वी हेड ऑन टू द M6, दैट विल बी अमेजिंग।
देखिए गाइस, अगर आपका सनरूफ है आपकी रेंटल गाड़ी में तो उसका पूरा आनंद लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही प्यारे आपके सीनरीज मिलेंगे जो इंग्लैंड से स्कॉटलैंड के रूट में है। तो डू टेक कॉशन एंड डेफिनेटली अपने मतलब स्लो चलाइएगा तो पूरे आनंद ले सकते हो उस चीज़ का। बहुत तगड़े मजे हैं जब आप खोल के रख देते हो और अच्छा खासा आप व्यू देख सकते हो। तो हम अभी जैसे मैंने बताया हम अभी टूवर्ड स्कॉटलैंड बॉर्डर जा रहे हैं। तो अभी जो है ये लेक डिस्ट्रिक्ट फाइनल होता है, तो उसके बाद सारा स्कॉटलैंड बॉर्डर है। तो हमें लग जाएगा अभी 2-3 घंटे और, तो उसके बाद हम फाइनली स्कॉटलैंड क्रॉस कर जाएंगे और वहाँ पे बॉर्डर कोई चेक से आपको नहीं मिलेगा, आराम से आप क्रॉस कर जाते हो। सो इवन दो वो 2 सेपरेट कंट्रीज है इंग्लैंड और स्कॉटलैंड, बट आपका ऐसा कोई हार्ड बॉर्डर नहीं है, आराम से क्रॉस कर सकते हो। जैसे भारत में बोलते हैं कि हाईवेज है, तो वहाँ पे वो लोग क्या बोलते हैं, मोटरवेज बोलते हैं। तो सारे मेन जो हाईवेज होते हैं मोटरवेज होती हैं। यहाँ पे स्पीड लिमिट रहता है नॉर्मली 70 माइल पर आवर, तो माइल को आप किलोमीटर में कन्वर्ट कर दीजिएगा वो 100+ समथिंग बैठता है। तो इवन जो मेन हाईवेज है वहाँ पे 70 माइल्स है, बट ऐसे नेशनल पार्क में कुछ कम हो सकता है, वो चेक कर लीजिएगा। इवन आपके जो GPS में वो दिखाता रहता है पूरे टाइम। सो रोड्स की तो कोई ऐसा टेंशन नहीं, आपकी बहुत वेल कनेक्टिविटी है, आप कहीं भी गाड़ी ले जाओ बहुत ही कंफर्टेबली पूरा देश घूम सकते हो। और उसके अलावा क्या है कि अगर आप नॉर्मली कहीं एक्सीडेंट करते हो कुछ, तो डायरेक्टली आपके कार से डिपॉजिट से जो आपने पे करा है उससे कट होता है। तो आप ध्यान रखिएगा उस चीज़ की, मतलब अगर आपका मतलब ऑब्वियसली ड्राइव केयरफुल नो डाउट एंजॉय इट, पर बी केयरफुल एज वेल, मतलब कि कोई ऐसा सच बकचोदिया मत करना, क्योंकि कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं और आपके बहुत भारी कटता है और टिकट भी कट जाता है। अगर आप 70 माइल्स के ऊपर जाते हो या फिर कहीं पे भी लॉ वायलेट करते हो तो वो डायरेक्टली आपके जो डिपॉजिट है उससे कट जाता है और बहुत ही हैवी पेनल्टी होती है। तो गाइस ध्यान से रख लीजिएगा, ये अपना देश नहीं है जहाँ पे 1-2 पैसे देके बच जाओ, सीधा का सीधा घर भी लाएगा और आप पूरा निकल जाएगा। तूने देखा जो घूमने की ख्वाहिश चली जिंदगी जा सकती है मेरी दुनिया सारी तुझसे ही। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को episode 2 हमारे स्कॉटलैंड ट्रैवल सीरीज का बहुत पसंद आया। तो episode 3 जो होगा हमारे, हम लॉकनेस पहुँच जाएंगे और लॉकनेस में आपको अकोमोडेशन दिखाएंगे और एट द सेम टाइम आसपास के जो जगह हैं लॉकनेस क्यों फेमस है, आपने सुना होगा मॉन्स्टर का इतना बड़ा मिस्ट्री है, वो सबको हम थोड़ा डिकोड करेंगे। वहाँ पे थोड़े सी और लोकल स्पॉट्स पर जाएंगे। और आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो दिल से शुक्रिया, प्लीज़ कमेंट करना आपको कैसा लगा। सो डेफिनेटली मिलेंगे 3rd episode में।